हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केमी मेडवेडिस्टा। और कल के मैच देख के मुझे एक बात समझ में आ गई है यार, कि जब तक कि ये बंदा ग्राउंड पर है ना, जिसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तब तक कि गेम खत्म नहीं होती। आखिरी सेकंड तक गेम खत्म नहीं होती, जब तक कि सीटी ना बजा दे ना भाई अपना रेफरी, तब तक की गेम खत्म नहीं होती। फर्गी टाइम में 90+5 मिनट पे गेम के आखिरी मोमेंट्स पे उठ के आने वाला बंदा, मेन चैंपियंस लीग, मिस्टर चैंपियंस लीग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्या गोल मारा है कल लास्ट मिनट पे। और व्हाट ए नाइट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, व्हाट ए नाइट फॉर CR7 फैंस। भाई क्या मैच हुए हैं कल। बेनफिका ने बार्सिलोना को हरा दिया 3-0 से, लेवेंडोस्की ने 2 गोल मारे, बायर्न म्यूनिख ठोकते जा रही है। आओ फटाफट रिव्यू करते हैं सब मैचेस का। सबसे पहले आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस विल्लारियल के तरफ। देखो यार, ये जब गेम स्टार्ट हुआ तो किसी को नहीं लगा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगी, ना ही मुझे लगा था अगर तुम लोगों ने गेम देखा होगा तो, क्योंकि विल्लारियल वॉज परफेक्ट। विल्लारियल हर तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड को डोमिनेट कर रही थी गेम में, स्पेसेस निकल रहे थे, थ्रू बॉल्स निकल रहे थे। और कल रफाइल वराने को क्या हुआ था मुझे पता नहीं। देखो यार, रफाइल वराने बहुत तगड़ा डिफेंडर है, रियल मैड्रिड में उसने बहुत कुछ उखाड़ा है, और तुम लोगों को पता है एक अच्छा डिफेंसर साइन किया है रफाइल वराने को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। लेकिन कल वो स्पीड नहीं दिखी रफाइल वराने की, बॉल पीछे निकल जा रहा था, वो गैप्स निकल रहे थे, वो मार्क नहीं कर पा रहा था ठीक से प्लेयर को। उसी में विल्लारियल ने पहला एक गोल ठोक दिया उन्हें। लेकिन भाई उसके बाद एलेक्स टेलेस, क्या स्टाइल में अपना पहला गोल मारा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एलेक्स टेलेस ने। किसी को नहीं लगा था मैनचेस्टर यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफोर्ड पे विल्लारियल ऐसा खेल रही थी भाई, जैसे कि वो अभी खेल ही नहीं रहे हो, वो अपने घर पर खेल रहे हो, फुल्ली कॉन्फिडेंट। यूनाई एमरी की यहाँ पर तारीफ होना चाहिए, क्योंकि क्या गेम खिलाया विल्लारियल को उसने, वो टीम को वो कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है भाई। यूरोपा लीग जीता के उसको चैंपियंस लीग में क्या खिला रहा है वो बंदा। लेकिन आई एम सॉरी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज हियर। और देखो यार, गेम कहाँ से चेंज होना शुरू हुआ पता है, सब्स्टिट्यूट्स पे से। एक स्पिरिट होती है कि भाई आखिरी दम तक मैं लड़ूंगा, जब तक ये मैच खत्म नहीं होता मेरी टीम हार नहीं सकती, मेरे होते हुए ये टीम कैसे हारेगी। कल ये जुनून मुझे CR7 प्लस एडिसन कवानी में दिखा। 90+4 मिनट चल रहे और वो बंदा जा रहा है, टैकल कर रहा है, नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, गोल चाहिए मतलब गोल चाहिए। वो टैकल किया, वो पास, वो जैसी लिंगार्ड का बॉल, भाई 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 बहुत ड्रामा हुआ है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा खेलते रही तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ओले की जॉब बच गई है। ओले गनर की जॉब बच गई है फिलहाल के लिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उनकी जॉब बचा ली है। ओल्ड ट्रैफोर्ड में बैक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बैक, अपना ऐलान कर दिया है भाई, मेन टाइम पे उठने वाला बंदा मिस्टर चैंपियंस लीग। चलते चलते हम आते हैं बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका की तरफ। देखो यार, सीधी सीधी बात है, लोग सब लोग कह रहे हैं कि कोइमैन आउट, रोनाल्ड कोइमैन को भगाओ, जेवी को लाओ, रोबर्टो मार्टिनेस को लाओ, किसी को लाओ, कोइमैन को भगाओ। लेकिन यहां पर गलती क्या हो रही है बार्सिलोना से, वो फॉर्मेशन क्यों नहीं बन पा रहा जो पहले बनता था। लुइस एनरिक के टाइम पे जो फॉर्मेशन बनता था बार्सिलोना का, वो क्यों नहीं बन पा रहा, वो पासिंग क्यों नहीं हो पा रही, वो फिनिशिंग क्यों नहीं हो पा रही। लूक डी जोंग ने 2 बारी चांसेस मिस किए हैं गोल करने के, 100% मिस किए हैं वो चांसेस गोल करने के, क्यों नहीं हो पा रहा। एक बात मैं साफ साफ कह दूं, रोनाल्ड कोमैन मिडफील्डर्स का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा रहा है। उसके पास वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स है, फ्रेंकी डी जोंग एक बहुत अच्छे मिडफील्डर्स है, उनके पास यंग मिडफील्डर्स है, अंशु फाती ने अपना पहला गोल मारा था पिछले मैच में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे मिडफील्ड का फायदा उठाना चाहिए, तभी फॉर्मेशन सही बनेगा। फिनिशिंग पोजीशन आ रही है, घान कर दे रहे बंदे लोग। 3-0 से कल बेनफिका से हार गई, तुम लोग टेबल देखो, बार्सिलोना लास्ट में है, बार्सिलोना इज ऑन लास्ट, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। पहली बार मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ होगा बार्सिलोना की हिस्ट्री में कि बार्सिलोना इतनी नीचे होगी। तो होप्स आर विद बार्सिलोना यार, अब तो ऐसी लग रहा है कि कोमैन को सैक किया जाएगा और किसी और को लाया जाएगा। भागते भागते हम आते हैं हमारे तीसरे गेम पे, रोबर्टो लेवेंडोव्स्की के गेम पे, बायर्न म्यूनिख। लोग हाथ जोड़ रहे हैं क्या कि मत मारो यार, क्यों रहम करा करो अपोनेंट्स पे। बायर्न म्यूनिख ने 42 गोल्स मार चुकी है अब तक के इस सीजन में ऑल ओवर गेम्स में, कोई रहम नहीं भाई, धनाधन गोल पे गोल, गोल पे गोल। वो लाइनअप तुम लोग देख रहे हो, क्लियर लाइनअप है, लुरिस साने, सर्जी गिनाब्री, थॉमस मुल्लर, रोबर्टो लेवेंडोव्स्की,
यार ये गेम देख के हाइलाइट्स देखे मैंने सिर्फ इस गेम के, और इसके स्टेटस ही तुम लोग देख लो, ऐसा लग रहा था वो डिफेंसर निकोलस सूले आके गोल मार देगा भाई आगे। इनमें हर प्लेयर को गोल मारना है, हर प्लेयर को गोल मारना है। थॉमस मुल्लर असिस्ट निकालता है और कहीं ना कहीं से गोल मारता है, शॉट मारता है। सर्ज गिनेब्री निकलता है स्पीड में। लोरिस साने का गेम कल जबरदस्त था यार, हैट्स ऑफ टू लोरिस साने के, उसने इतने सारे कमेंट्स को ऐसा जवाब दे रहा है अपना गेम खेल के। जब वो आया था नया नया बायर्न म्यूनिच में मैनचेस्टर सिटी से, तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई थी मैनचेस्टर बायर्न म्यूनिच ने, लेकिन तब वो उतना दिखा नहीं पाया। लेकिन कल के गेम में लोरिस साने वॉज परफेक्ट। देखो यार वो गोल मुझे नहीं पता था वो पास था या साने ने सीधा गोल में ही मारा था। अगर देखो कोई भी प्लेयर उस पोजीशन पे होता तो शायद से पास ही करता, लेकिन अगर वो गोल गया है और लोरिस साने ने गोल का ही सोचा था तो वो गोल बहुत अच्छा गोल था। ये अगर हम तीन मैचेस का अगर शॉर्ट में रिव्यू कर ले तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को और सुधरने की जरूरत है। वो तो रोनाल्डो ने लास्ट मिनट पे मार दिया, हैट्स ऑफ टू CR7, लेकिन विल्लारियल कड़क थी। यहाँ पर आते हैं बार्सिलोना, कोयमन आउट भाई, कुछ भी करके कोयमन को हका लो, जेवी को लाओ, नहीं तो रोबर्टो मार्टिनेस को लाओ, नहीं तो एंटोनियो कोंते भी अच्छे ऑप्शन है। तीसरे मैच पे आते हैं हम बायर्न म्यूनिच, रहम करो यार, थोड़ा रहम करो। ये पूरी पैक लाइनअप है यार, अल्फोंसो डेविस लेफ्ट बैक से स्पीड में निकलता है, वहां पर राइट बैक पे बेंजामिन पावार्ड को फुल स्पेस मिल रहा है आगे जाने के लिए। रोबर्टो लेवनडोव्स्की दो गोल्स मार रहा है, हर मैच में खतरनाक फिनिश कर रहा है। कहा जाए सामने वाली टीम, कहा जाए भाई, कहा जाए। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो तुमको पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।